बैक टू माई चैनल, माई नेम इज प्रीति तिवारी। मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी साड़ी के साथ अमेजिंग हेयर स्टाइल्स आइडियाज़ एंड सिंपल एंड ईजी हेयर स्टाइल्स हैं जो कि आप साड़ी के साथ मॉडर्न लुक दिख सकती हैं ये सारे हेयर स्टाइल बना के। तो ऐसी हेयर स्टाइल तो बहुत सारी होंगी यूट्यूब पे साड़ी के साथ किस टाइप से हेयर स्टाइल करें, बट मैं साड़ी के साथ आपको मॉडर्न लुक दिखने वाली हेयर स्टाइल्स बताऊँगी आज। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल जाए, और चैनल को अभी से लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल टिप्स बताऊँगी और सिंपल हेयर स्टाइल्स बताऊँगी जो कि साड़ी के साथ आपको बहुत ही अमेजिंग सा लुक देगा और बहुत ही कॉन्फिडेंट रहेंगे आप ये सारे हेयर स्टाइल के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हेयर स्टाइल में आपको करना है साइड से पार्टिंग बालों की, बट आपकी पार्टिंग दिखनी नहीं चाहिए तरीके से। आपको हेयर को लेना है, हल्का सा कॉफ का लुक देना है और यहाँ से एक लेयर जरूर निकालिएगा अगर आप इस टाइप का हेयर स्टाइल कर रहे हैं तो। ओके, ठीक से क्लिप से इसको सेट करेंगे। यहाँ से भी हेयर को लेकर ट्विस्ट करेंगे, ऐसे भी आपको लेयर जरूर निकालना है। ओके, और ये ट्विस्ट करके आपको जो आपने क्लिप लगाया था उसके ऊपर ही जस्ट यहाँ पे क्लिप सेट कर देना है। इधर के सारे हेयर्स को एक बार आप ऊपर की तरफ लेके जाओगे। ज़्यादा टाइट नहीं करना है, लूज रखना है आपको। ठीक है, इस तरीके से, और यही टिक के क्लिप के पास इसको भी सेट कर देना है। अगर आपके बाल बहुत लंबे हैं तो आप इस तरीके से ओपन भी रख सकते हो, शॉर्ट है तो भी ओपन रख सकते हो, एंड आप चाहो तो साइड बन भी बना सकते हो। और इस तरीके से आप पिक वगैरह क्लिक करवाओगे तो बहुत ही प्यारा सा लुक आएगा। ये हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल हो गया। अगर आपको आप चाहो तो यहाँ पे साइड पोनीटेल भी बना सकते हो, जैसे एक तो हो गया आप इस तरीके से सारे बालों को ओपन करके एक साइड में लेके छोड़ दो, दूसरे हेयर स्टाइल में आप उसको यहीं पे रबर बैंड लगा लोगे बालों में। सारे सिंपल और इजी हेयर स्टाइल बता दें, इस तरीके से थोड़ा सा और लगता है तो इसमें अंदर से इसको खींच लोगे और हल्का सा हेयर लेके आपके रबर बैंड को दिखना नहीं चाहिए, रबर बैंड आपका हाई होना चाहिए आपके हेयर से अच्छे से हाइड करके। इसमें एक क्लिप लगा दीजिए, क्लिप भी लगा सकते हो आप। ये हमारा सेकेंड हेयर स्टाइल होंगे, कोशिश कीजिएगा कि आपका रबर बैंड ना दिखे, और नहीं तो आप अपने हेयर पिन से मैच होता हुआ रबड़ लीजिएगा। तो ये हमारा सेकेंड हेयर स्टाइल है। थर्ड हेयर स्टाइल में आपको क्या करना है, सॉरी थर्ड हेयर स्टाइल में आपको बीच से मांग निकालनी है। ये वाला हेयर स्टाइल तो काफ़ी अच्छा लगता है, सिंपली बीच से इस तरीके से मांग निकाल लोगे और यहाँ से इस तरीके से फिंगर लेके जाओगे और यहाँ पे एक छोटा सा क्लचर ऐड कर दूंगी। फिर से सेकेंड आप उसी तरीके से लेके जाओगे और यहाँ पे टिकटे क्लिप से आपको सेट कर दूंगी। तो ये हमारा सेकेंड हेयर स्टाइल है। थर्ड हेयर स्टाइल हो गया, चलते हैं फोर्थ हेयर स्टाइल की तरफ। देख सकते हो आप कितना इजी है और कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये हेयर स्टाइल। चलते हैं फोर्थ हेयर स्टाइल की तरफ। फोर्थ हेयर स्टाइल में भी आपको बीच से पार्टिंग निकालनी है बालों की, क्योंकि आपको ऊपर की तरफ लेके जाना है।
आप ये वाला हेयर स्टाइल बनाते हो तो एक चीज़ का ध्यान रखना, तो जब भी आप हेयर स्टाइल बनाते हो तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब आप ये इस तरीके से फिंगर लेके जाते हो तो एकदम अंदर से स्कैल्प के पे टच होते हुए जाना चाहिए, तभी आपका अच्छे से ये हेयर स्टाइल बन के आएगा। ओके, सिंपली आप यहाँ पे इसको पिक तक क्लिक से चेक कर दो, ये तो जाने में आपको कंफ्यूज रहते हैं सब लोग कि ये कैसे लाइंस बनती हैं, तो इसके लिए आपको पूरा स्कैल्प पे फिंगर को टच करते हुए लेके जाना है, दूसरी साइड से भी सेम। और कोशिश कीजिएगा कि आपका जो लेयर्स बन रहा है ये बहुत पतले पतले, मतलब पास पास से आप लेयर लेना तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये हमारा फोर्थ हेयर स्टाइल हो गया, कहीं से लगे कि बिगड़ रहा है तो आप दोबारा से एक बार इस तरीके से बना सकते हो। चलते हैं पांचवे हेयर स्टाइल की तरफ, स्टाइल की तरफ। तो ये हमारा सातवां हेयर स्टाइल कम्प्लीट हो गया। चलते हैं आठवें हेयर स्टाइल की तरफ, आठवें हेयर स्टाइल में भी आपको सिंपली क्राउन ही जैसे थोड़े से हेयर लेने हैं इस तरीके से। ओके, इस तरीके से लेना है और इसमें थोड़ी थोड़ी लेयर्स बना देनी है बालों में। लेयर्स बना के इसको टिक के क्लिप से सेट कर देना है। एक सेकंड दोबारा से बता देती हूँ कि लेयर्स कैसे निकलते हैं बालों में। जैसे आपने सिंपली यहाँ पे फ्लैट इस तरीके से बना लिया है, जैसे आपने एक लेयर यहाँ से निकाल दी, ओके, तो सेकंड लेयर थोड़ा सा गैप छोड़ के लीजिएगा, नहीं तो अच्छे से लुक नहीं आता है उसका। ओके, भाई लोग समझ में आ गया होगा कि लेयर्स कैसे बनाएंगे बालों में। और सब मुझे दिखते हैं कि आप साइड कर दो बैक साइड में। अच्छे से टाइटली सेट कर लीजिएगा ताकि आपके लेयर्स बिगड़ ना जाए। अभी क्या करना है, यहाँ से आपके थोड़े थोड़े हेयर्स लेने हैं। कर रहे हैं थ्री पार्ट में डिवाइड ऊपर से, और फिर एक ब्राइड बनानी है। आप चाहो तो यहाँ पे फ्रेंच ब्राइड भी बना सकते हो, चाहो तो जैसे मैं सिंपल बना रही हूँ इस तरीके से सिंपल भी बना सकते हैं। साथ साथ में इस ब्राइड को आप यूज करके जाइएगा ताकि लुक अच्छा आए। यहाँ से लेके जाने हैं और जहाँ पे आपने क्लिप सेट किया है तो उसके सेट कर दो। इसी तरीके से आपको दूसरी साइड भी बनाना है। इनेगा हेयर कलर की हेयर कलर मैंने किया हुआ है अपने सासू माँ के ऊपर पूरा ग्रे हेयर, उससे बहुत अच्छे से कलर हो जाते हैं। अगर आपको देखनी है वीडियो तो जो कमेंट बॉक्स में बताएगा, मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी कि इनेगा हेयर कलर का रिजल्ट कैसा है, कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या दिया होता है उसके अंदर सब कुछ।
इसको लूज करेंगे। इसको भी यहाँ से लेके जाएंगे और जहाँ पे आपने कप बनाया हुआ है वहीं पे पैक कर देंगे। तो ये हमारा आठवां हेयर स्टाइल हो गया। इस तरीके से आप सिंपली इसको छोड़ सकते हो, फोटो वगैरह क्लिक करवाओगे तो बहुत ही प्यारा लगेगा। चलते हैं नौवीं हेयर स्टाइल की तरफ। नौवीं हेयर स्टाइल में आपको क्या करना है, सिंपली आपको आप चाहो तो ऐसे भी छोड़ सकते हो और चाहो तो यहाँ से थोड़े से बस फ्रंट में लेयर छोड़ना है, सारे लेयर्स को बैक की तरफ लेते रहेंगे, ट्विस्टिंग करते हुए। जो बैगिनर्स हैं उनके लिए ट्विस्टिंग वाला आइडिया बहुत ही अच्छा है, बहुत ईजिली बना लेंगे। ये वाला हेयर स्टाइल थोड़ा सा पार्टी वियर और शादी वादी में अच्छा लगेगा। इसी तरीके से आपको दूसरी साइड कर लेना है। जल्दीबाजी बिल्कुल भी ना कीजिएगा, नहीं तो हेयर स्टाइल बिगड़ जाता है और आप कंफर्टेबल नहीं रहते फिर लॉन्ग टाइम के लिए अगर हेयर स्टाइल को रखना है तो। ये हो गया हमारा नवा हेयर स्टाइल, थोड़ा सा टाइट कर लीजिएगा, लूज ना पड़े। लूज करने से क्या होता है कि आपका हेयर स्टाइल बिगड़ सकता है बाद में जल्दी ही, तो लंबे टाइम के लिए रख लो, थोड़ा सा टाइट भी जरूर रखेंगे। ओके, ये हमारा नवा हेयर स्टाइल हो गया। चलते दसवें हेयर स्टाइल की तरफ। ये हमारा दसवां हेयर स्टाइल। आई होप कि सारे हेयर स्टाइल आपको अच्छे लगे होंगे, सब में से कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा और दूसरे चैनल पे विजिट जरूर कीजिएगा। दूसरे चैनल का नाम है ड्रेस डिजाइनर प्रेम तिवारी, जिसे मैं अमेजिंग ड्रेस डिजाइनिंग की वीडियो अपलोड करते रहती हूँ। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। लव यू और टेक केयर।